बीएससी थर्ड ईयर में इसके अंदर आज कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें इसके अंदर आपको बताया था इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो डाइजेस्टिव फ्लूज या पाचक रस है किस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं। आज इसके अंदर बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन या जिसे कहा जाता है अवशोषण, तो भोजन इसके अंदर जब भी या इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसके अंदर, इसके सबसे पहले जो प्रोसेस होता है इंजेशन, सेकेंड इसके अंदर होगा डाइजेशन, और सेकेंड थर्ड इसके अंदर प्रोसेस जो होता है वह एब्जॉर्प्शन, या जिसे कहा जाता है अवशोषण। डाइजेशन या पाचन, इंजेशन या भोजन को अंदर लेने के लिए, माउथ में भोजन को इसके अंदर क्यों लिया जाता है वह इंजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन या इसके अंदर अवशोषण से इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि इसमें जो भी भोजन इसके अंदर इंजेशन या अंदर लिया गया है उसका पाचन होने के बाद में अब इसके अंदर भोजन का पाचन जो एंजाइम्स के द्वारा होता है अब इसके अंदर ये इतने छोटे टुकड़ों में टूट जाता है कि इसके अंदर इसका आगे पाचन नहीं किया जा सकता। एंजाइम्स जो होते हैं इस पर कार्य करते हैं और इनको छोटे छोटे पार्टिकल में या इसके अपने इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे अंतिम उत्पाद बना देते हैं जैव अणु के, उसको आगे पाचन नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर इनको अवशोषित किया जाता है, तो इसमें अवशोषण जो होता है इसके अंदर उसमें पचित जो भोजन है कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें इसके अंदर ग्लूकोज होगा, प्रोटीन है तो अमीनो अम्ल, और इसके अंदर लिपिड है तो वहां पर फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल होंगे। जो पचित भोजन है वो ब्लड में मूव करवाना, ये होता है इसके अंदर प्रोसेस एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। जो भी इसके अंदर आपके पचित भोजन में जैव अणु उसका अंतिम उत्पाद बना है उसको ब्लड में इसके अंदर भेजा जाए और आगे इसे इसके द्वारा इसके अंदर यहाँ पर जिस इसके अंदर कोशिका को भी इसकी जरूरत होती है ब्लड के द्वारा जब इसके अंदर ये अंतिम उत्पाद जाते हैं वहाँ पर इसके अंदर कैसे उसको उपयोग में लाया जाता है। तो ब्लड में मूव करवाने की क्रिया अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहलाती है, जो कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके अंदर पाचन जो क्रिया होती है उसमें इसका इंजेशन डाइजेशन के बाद में थर्ड प्रोसेस होगा। फर्स्ट इसके अंदर है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इन माउथ, मुख में अवशोषण, माउथ या मुख में इसके अंदर एब्जॉर्प्शन सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर पाचन भी इसके अंदर माउथ से स्टार्ट हुआ था जो कि इंटेस्टाइन या इसके अंदर कह सकते हैं आमाशय में भी होता है या इसके अंदर माउथ में भी पाया जाता है अलग अलग प्रकार के एंजाइम के द्वारा, इस कारण इसका एब्जॉर्प्शन भी इसके अंदर माउथ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आहार की बात माउथ की बात करते हैं अवशोषण नहीं होता है, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन इसके अंदर नहीं पाया जाता है माउथ या मुख में, जो कि इसके अंदर क्योंकि माउथ में इसके अंदर किसी प्रकार से इसके अंदर एंजाइम का अंतिम उत्पाद नहीं बनता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन माउथ इसके अंदर जो पाया जाता है मुख्य रूप से उसमें या अवशोषण इसके अंदर माउथ में या मुख में किसी प्रकार का नहीं होता है, लेकिन कुछ ड्रग्स हैं, कुछ दवाइयां हैं, मेडिसिन है, इनका इसके अंदर कह सकते हैं माउथ में अवशोषण हो सकता है। तो माउथ में इसके अंदर कुछ ड्रग्स का इसके अंदर दवाई जो होती है मेडिसिन होती है उसका अवशोषण होता है जब उसको टंग या जीभ के नीचे रखा जाता है तो वो डिजॉल्व हो जाती है और उसका वहां पर अवशोषण हो सकता है। बायोमोलिक्यूल किसी प्रकार का इसके अंदर जो है उसका अवशोषण इसके अंदर माउथ या इसके अंदर मुख में नहीं पाया जाता है। सेकेंड इसके अंदर एब्जॉर्प्शन
फ्रॉम स्टोमा, यह जिसे कहा जाता है आमाशय में अवशोषण। आमाशय में इसके अंदर अवशोषण होता है या नहीं होता है इसके आधार पर इसके अंदर सेकंड जो है इसको इसको मुख में अवशोषण पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। इसके अंदर एब्जॉर्प्शन की बात करें इसके अंदर स्टोमक में तो लिमिटेड होता है, बहुत ही सीमित मात्रा में। मुख्य रूप से इसके अंदर जो अवशोषण पाया जाता है स्टोमक में एल्कोहल का, कुछ मात्रा में इसके अंदर जल का, ग्लूकोज का अवशोषण इसके अंदर यहाँ पर हो सकता है। एब्जॉर्प्शन या अवशोषण की बात करें स्टोमक में इसके अंदर जो पाया जाता है एल्कोहल, कुछ मात्रा में जल और ग्लूकोज डायरेक्टली, यदि आप ग्लूकोज इसके अंदर वाटर के साथ मिक्स करके ले रहे हैं, जल के साथ मिक्स करके इसके अंदर विलय अवस्था में यदि ले रहे हैं तो इसके अंदर स्टोमक में उसका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होता है। इसके कारण आपको इसके अंदर ग्लूकोज लेने से जल्दी एनर्जी भी मिलती है। इसके अलावा आयरन या जिसे कहा जाता है लोह, जो कि मुख्य रूप से पाया जाता है आपकी हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में जो मेटल होती है आयरन या लोह, जो कि इसके अंदर मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है उसका अवशोषण भी इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है, लेकिन उसको डिजोल्व किया जाता है HCl की सहायता से स्टोमक। आमाशय में इसका डिजोल्यूशन या उसको विलय किया जाता है तभी उसका इसके अंदर मुख्य रूप से आमाशय से इसके अंदर जो डिजोल्व होगा तो छोटी आंत में यूरिनम जो पार्ट होगा या स्मॉल इंटेस्टाइन से जब ये निकलता है उस समय लोहे का या आयरन का अवशोषण होता है। तो डिजोल्यूशन इसके अंदर लोहे का किसमें होगा डिजोल्व। आमाशय में विलय इसके अंदर होता है इसकी सहायता से HCl की सहायता, HCl की हेल्प ली जाती है यहाँ पर और इसमें आयरन या लोहे को डिसॉल्व किया जाता है और इसका जो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत से गुजरते हुए या पास जब होता है उस समय होता है। थर्ड इसके अंदर है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन या जिसे कहा जाता है छोटी आंत से अवशोषण, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण इसके अंदर छोटी आंत से किस प्रकार होता है। सबसे इसके अंदर या कह सकते हैं आहार नाल का इसके अंदर जो भाग है जो अलग अलग प्रकार के जो भाग है उसमें सबसे ज्यादा जो अवशोषण पाया जाता है मुख्य रूप से वो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत से ही होता है। इस कारण छोटी आंत को सबसे इसके अंदर कह सकते हैं बड़ा अवशोषी अंग या एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है। लगभग इसके अंदर 90% अवशोषण जो है एब्जॉर्प्शन जो भोजन का है जैव अणु का है वह स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, छोटी आंत से होता है। इसके अलावा यह मुख्य अवशोषी अंग की तरह कार्य करता है या जिसे कहा जाता है मेजर एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन, मुख्य अवशोषी अंग की तरह कार्य करता है। ऐसा क्यों होता है अवशोषण इसके अंदर ज्यादा मात्रा में या स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका अवशोषण ज्यादा मात्रा में इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसकी जो सतह होती है फोल्डेड होती है या कह सकते हैं जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वह फोल्ड होती है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फोल्ड या वलय पाए जाते हैं या मुड़ी भी होती है। या तो इस तरह कह सकते हैं मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा इस तरह कह सकते हैं उसमें रिंग्स या वलय भी पाए जाते हैं। इसके कारण इसके अंदर स्मूथ सर्फेस इसके अंदर उसको नहीं मिलेगी, फोल्ड होगा तो इसके अंदर या ज्यादा मात्रा में फोल्डेड होगी। इसके साथ साथ में इसमें विलय पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर कह सकते हैं अवशोषण के लिए सर्फेस एरिया बढ़ाते हैं। सर्फेस एरिया बढ़ाया जाता है इसके अंदर जब इसके अंदर
सरफेस स्मूथ नहीं होगी, वले पाए जाएंगे और साथ साथ में विले पाए जाते हैं, तो इसके अंदर एब्जॉर्प्शन जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड या इसके अंदर वसा है या इसके अंदर विटामिन है उसके अवशोषण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको सतह मिलती है। इसके कारण सरफेस एरिया बढ़ता है और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर बायोमोलिक्यूल या जैव अणु का इसके अंदर अवशोषण किया जाता है। अवशोषण होने के बाद इसके अंदर जो कि मुख्य रूप से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में या छोटी आंत में होता है, छोटी आंत की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनका ट्रांसपोर्ट इसके अंदर किस तरीके से होता है, स्थानांतरण। इसका अर्थ यह है कि इसके अंदर जैव या वायु मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है वह इसके अंदर अवशोषण होकर स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत की कोशिका में आ गए। अब उसको आगे इसके अंदर किस प्रकार से इसके अंदर का ब्लड में कैसे भेजा जाए, तो यह जो इसके अंदर कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीके से हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्ट जो होता है इसके अंदर दो तरीके से हो सकता है, जैसे एक होता है इसके अंदर गैस इन हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, और सेकंड जो होता है इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल के द्वारा, लिम्फेटिक वेसल या लिम्फेटिक वाहिका, और लिम्फेटिक पोर्टल सिस्टम या जिसे कहा जाता है इसके अंदर यकृत निवाहिका तंत्र, यकृत निवाहिका तंत्र में जो वेंस या सिराएं पाई जाती हैं। इंटेस्टाइन के द्वारा जब इसके अंदर जैव अणु का इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसके बाद इसके अंदर इसको वेंस जो होती है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की उसको लीवर में लेके जाया जाता है, एक तो होता है इसके अंदर उसको लीवर में ले जाया जाता है, दूसरा होता है लिम्फेटिक वेसल के द्वारा उसको लिम्फेटिक सिस्टम में ले जाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक तंत्र में, और वहां से इसके अंदर उसको ब्लड में डाला जाता है। तो इसके अंदर एक बार इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया, सिराओं के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं लिम्फेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा उसको लीवर में भेजा जाता है, या तो ये तंत्र हो सकता है या सेकेंड इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल के द्वारा उसको लिम्फेटिक सिस्टम में डाला जाता है और वहां से इसके अंदर ब्लड में जाता है। इंटेस्टाइन के द्वारा इसके अंदर आगे उसका इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके अंदर फर्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कैसे होता है। ताप अवशोषण मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट है जिनका अवशोषण इसके अंदर किया जाता है, कौन कौन से इसके अंदर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है और गैलेक्टोज है, चार इसके अंदर मुख्य इसके अंदर जो मोनोसैकेराइड है उनका अवशोषण कार्बोहाइड्रेट का इसके अंदर किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसका ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है मुख्य रूप से हिपेटिक पोर्टल सिस्टम द्वारा, यह जिसे कहा जाता है यकृत निवाहिका तंत्र द्वारा। यकृत निवाहिका तंत्र के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन इसके अंदर किया गया, यहाँ से इसके अंदर कह सकते हैं इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जो कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो इसके अंदर चार जो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा इसके अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और इसके अंदर जब एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं तो उसमें इसके अंदर एब्जॉर्प्शन जो होता है उसकी दो मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म या लेवल कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण
या इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो बने जैव अणु जो इसके अंदर है उनका अवशोषण धूप की अभिधि के द्वारा किया जा सकता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, जैसे कहा जाता है सामान्य विषम, सिंपल डिफ्यूजन है सामान्य विषम। सेकेंड इसके अंदर होता है एक्टिव ट्रांसफर, एक्टिव ट्रांसफर सिंपल जो डिफ्यूजन है इसमें किसी भी इसके अंदर पदार्थ की या आयन की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः इसके अंदर स्थानांतरण ट्रांसपोर्ट इसके अंदर होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको जो भेजा जाएगा इसके अंदर एब्जॉर्प्टिव इसके अंदर मटेरियल को या पदार्थ को, तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर स्पॉन्टेनियस जाता है, उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा देने की जरूरत नहीं रहती, इसे सिंपल डिफ्यूजन कहा जाएगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जिसे कहा जाता स्वतः, बाहर से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं रहती है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की। इसको ऐसे समझ सकते हैं यदि छत पे जैसे इसके अंदर एक टैंक रखा हुआ और इसके अंदर कह सकते हैं उससे यदि इसके अंदर आपके अलग अलग इसके अंदर घर के अलग अलग स्थानों पर इसके अंदर नल से पानी आ रहा है उसके लिए आपको ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं रहती है। नल चालू करके इसके अंदर कह सकते हैं जो टैंक में पानी है वो इसके अंदर नल से आ सकता है, किसी प्रकार की ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं रहती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कहा जाता है सक्रिय अभिगम, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कम सांद्रता यदि है इसके अंदर किसी भी वस्तु की या पदार्थ की उसको यदि अधिक सांद्रता की ओर भेजना है, कम सांद्रता से इसके अंदर अधिक सांद्रता की ओर भेजना है, या इसके अंदर कह सकते हैं कोई वस्तु इसके अंदर कह सकते हैं स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या कोई पदार्थ एक स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब नहीं जा सकता है उसको इसके अंदर कह सकते हैं कम सांद्रता है। पानी इसके अंदर कह सकते हैं नीचे के टैंक में कम है लेकिन पूरे ऊपर वाली टंकी पूरी खाली है, उसमें यदि चढ़ाना है तो उसके लिए मोटर चलानी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी या इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी होगी, तो वहाँ पर ऊर्जा इसके अंदर देनी होती है या कह सकते हैं इसके अंदर एनर्जी देनी होती है, नहीं तो इसके अंदर कह सकते हैं वो प्रोसेस नहीं हो पाता। इसके अंदर कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट को उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है या जिसे कहा जाता है सक्रिय अभिगम। ट्रांसपोर्ट के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, वो ऊर्जा इसके अंदर एटीपी के रूप में हो सकती है। जैसे इसके अंदर यदि कोई भी वस्तु इसके अंदर यदि कम मात्रा में है या कोई भी इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है या आयन इसके अंदर कम मात्रा में है बाहर की ओर और उसको इसके अंदर कह सकते हैं अधिक वाले इसके अंदर स्थान पर भेजना है या अधिक से कम स्थान की ओर भेजना है, यदि वो इसके अंदर स्वतः मूव नहीं कर पा रहा अधिक से कम भी भेज सकते हैं स्वतः जा रहा है तो इसके अंदर कह सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन होगा, और यदि इसके अंदर कह सकते हैं स्वतः इसके अंदर वो यदि मूवमेंट नहीं कर रहा है ऊर्जा देकर इसके अंदर यदि उसको इसके अंदर उस स्थान पर या उस इसके अंदर तंत्र में भेजा जाता है तो उसे इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है तो सिंपल डिफ्यूजन क्या लगता है। इसके बाद में ग्लूकोज करने से अवशोषण किस प्रकार से होगा, सबसे पहले इसके अंदर की बात ये इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन ये इंटेस्टाइन की इसके अंदर मेम्ब्रेन ये इसके अंदर इंटेस्टाइन जो सेल है इसके अंदर जिसको कहा जाता है म्यूकोसल सेल, और यहां पर इसके अंदर पाई जाती है ब्लड कैपिलरीज। जैसे कहा जाता है ब्लड इसके अंदर जो केसिकाएं होती है जिसमें इसके अंदर आपको
जो भी खाद्य पदार्थ है उसका यह जैव अणु है उसको स्थानांतरित करना, ब्लड के अंदर आपको ब्लड कैपिलरी में मूव करवाना, ये इंटेस्टाइन के इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है। म्यूकोसल सेल है उसके इसके अंदर जैसे मेम्ब्रेन, तो म्यूकोसल सेल इसके अंदर जो पाई जाती है, अब इसके अंदर यहाँ से आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्थानांतरण करना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर इंटेस्टाइन में यहाँ पर इसके अंदर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ चुके हैं। अब इसको इसके अंदर कह सकते हैं आपको ब्लड में इसके अंदर या रक्त इसके अंदर नलिका में या ब्लड में स्थानांतरित करना है, तभी इसके अंदर इसका अवशोषण कंप्लीट होता है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके स्वतः कभी भी इसके अंदर स्पेस में नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से इसके अंदर जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके स्वतः इस स्थान पर नहीं आ सकते, तो आगे इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड इसके अंदर वेसल्स में भी इसके अंदर या ब्लड कैपिलरी में भी इसका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इसके अंदर इस स्पेस में या ग्लूकोसल सेल में डाला जाता है, और उससे बाद में इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स में या ब्लड कैपिलरीज में आगे जाती है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इसके अंदर स्पेस में स्थानांतरित करने के लिए यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है कहा जाता है सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम पंप या सोडियम पोटेशियम एटीपेज इसे कहा जाता है, जिसमें इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम इसके अंदर जो आयन है इसका स्थानांतरण होता है। जो स्पेस में पाए जाने वाले सोडियम आयन है इनको बाहर की ओर स्थानांतरित किया जाएगा, उसके बदले में इसके अंदर बाहर की ओर पाए जाने वाले पोटेशियम आयन का अंदर की ओर इसके अंदर कह सकते हैं स्थानांतरण होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप जो एटीपेज है उसके द्वारा सोडियम आयन को बाहर की ओर मूव करवाया जाता है, और पोटेशियम आयन इसके अंदर कह सकते हैं अंदर की ओर मूव करते हैं सोडियम पोटेशियम इसके अंदर एटीपेज के द्वारा। जब सोडियम आयन इसके अंदर बाहर की ओर आएगा तो सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर की ओर बढ़ेगी, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बाहर की ओर बढ़ती है। ये सोडियम जो आयन यहाँ पर पाए जाने वाले इसके अंदर जिसे कहा जाता है कैरियर प्रोटीन, कैरियर जो प्रोटीन होता है इसके अंदर जो ग्लूकोज का स्थानांतरण करने के लिए उत्तरदायी ही होगा, उसमें दो इसके अंदर साइड पाए जाते हैं, दो स्थान पाए जाते हैं, एक तो जुड़ने के लिए सोडियम की, सोडियम से इसके अंदर कह सकते हैं जुड़ने के लिए, दूसरा जो पाया जाता है इसके अंदर मुख्य रूप से जैसे कैरियर जो प्रोटीन होता है इसके अंदर यहाँ पर सोडियम जुड़ता है, और इसके अंदर इस स्थान पर जुड़ने के लिए ग्लूकोज बॉन्ड, और कैरियर प्रोटीन से जब इसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ेगा जब इसके अंदर उसका अंदर की ओर स्थानांतरण होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर कहा जा सकता है कि सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा सबसे पहले सोडियम को बाहर भेजा जाता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है, और पोटेशियम को अंदर भेजा जाता है। इस क्रिया में इसके अंदर यहाँ पर एटीपी का इसके अंदर या ऊर्जा का उपयोग होता है। तो यहाँ पर जब इसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करेगा एटीपी का उपयोग होगा, तो इसके अंदर इस स्थानांतरण को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसका सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर की ओर बढ़ेगी। कैरियर प्रोटीन पर जब इसके अंदर एक स्थान पर सोडियम जुड़ेगा तो वह इसके अंदर प्रमोट करता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपनी इसके अंदर साइड पर जुड़े, और जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ेंगे तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके अंदर इस कैरियर प्रोटीन पर जब जुड़ते हैं और जुड़कर इसके अंदर यह स्पेस में यहाँ पर स्थानांतरित होते हैं। कैरियर प्रोटीन से सोडियम जुड़ेगा जो ग्लूकोज के इसके अंदर कह सकते हैं इस साइड पर बाइंडिंग को भी प्रमोट करता है, इससे इसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ते हैं तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके अंदर कैरियर प्रोटीन के द्वारा स्पेस में स्थानांतरित होते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहाँ पर अब बढ़ेगी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके अंदर इंक्रीज होंगे। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं इसके अंदर ब्लड वेसल्स में स्वतः इसके अंदर स्थानांतरित होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स में इसके अंदर स्वतः स्थानांतरित होते हैं। तो इसमें कहा जा सकता है कि ग्लूकोज का जब ट्रांसपोर्ट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उस समय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट या जिसे सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है, दोनों प्रकार की क्रिया यहाँ पर पाई जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करके सोडियम को बाहर की ओर भेजेगा,
और सोडियम इसके अंदर जब कैरियर प्रोटीन से जुड़ेगा तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इससे जुड़कर अंदर की ओर स्थानांतरित होता है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब स्पेस में बढ़ती है तो यह स्वतः इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान घट कर फिर में इसके अंदर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बिना ऊर्जा के बिना किसी एनर्जी के स्थानांतरित होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इसके अंदर जो कि इसके इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज में होता है। इसी प्रकार से गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट भी होता है। गैलेक्टोज भी इसके अंदर इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रक्टोज का भी ट्रांसपोर्ट होता है वह सोडियम पर डिपेंड नहीं रहता। सोडियम डिपेंडेंट नहीं होता इसके अंदर फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा फ्रक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके लिए कैरियर प्रोटीन भी अलग होता है, अलग कैरियर प्रोटीन होते हैं। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट तो इसके अंदर सोडियम पे डिपेंड है, सोडियम पोटेशियम इसके एटीपेज पर। गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट भी इसी तरीके से सोडियम पर डिपेंड होता है, ग्लूकोज की तरह ही होगा। और फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट सोडियम पर डिपेंड नहीं होता है और इसके अंदर कैरियर प्रोटीन जो होता है इसके अंदर फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्ट करने के लिए वह भी अलग होते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर आपका इसके अंदर माउथ में एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से हुआ, माउथ में होने के बाद में इसके स्टोमच में सीमित मात्रा में केवल ग्लूकोज या कुछ इसके अंदर मात्रा में एल्कोहल या वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके साथ साथ में इसके अंदर अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि सबसे बड़ा इसके अंदर अवशोषी अंग है, एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन है, उसका स्थानांतरण वह किस प्रकार से इसके अंदर ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण करवाता है, अमीनो एसिड का करवाता है या विटामिन सी एलिपिड का करवाता है। उसमें पहले आपको कार्बोहाइड्रेट का बताया, तीन अलग अलग प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अवशोषण किस प्रकार से होगा। उसमें भी सबसे पहले ग्लूकोज का जो कि इसके अंदर दो अलग अलग मैकेनिज्म के द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सिंपल डिफ्यूजन या जिसे सामान्य मिश्रण कहा जाता है उसके द्वारा इसका इस प्रकार से स्थानांतरण होगा और यहाँ से